संत हैं उनको लेकर जो लगातार चर्चाएं चल रही हैं, आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, उसे लेकर आज हम दरअसल एक बड़ी कोशिश करने जा रहे हैं। राधा रानी को लेकर जिस तरह से विवाद हुआ या विवाद खड़ा किया गया या किसी ने कहा कि यह प्रसंग गलत है वो प्रसंग गलत है, इसे लेकर आज हम दरअसल चर्चा करने वाले बहुत खास मेहमान। हालांकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो आज चर्चाओं में रहे हों, वो दरअसल लगातार चर्चाओं में रहते हैं। आज आप जिस शिव पुराण को जानते हैं उसके पहुंचने में सबसे ज्यादा अगर पूरे देश में कोई नाम है तो पंडित प्रदीप मिश्रा साहब, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत, और लगातार खैर आपको सुना जाता है और चर्चा सिर्फ इस बात पर ही नहीं कि ये हुआ क्या है, बातें इस बात की भी कि शिव पुराण को अगर घर घर किसी ने पहुंचाया तो वो आप। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कहां किस तरह से विवाद खड़ा हुआ और क्या कुछ आप इसे लेकर कहना चाहते हैं। जी प्लीज। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, ये तो जो कथा पूर्व में कमलापुर करी गई थी महाराष्ट्र में कुछ 14 साल के पहले, तो वहाँ कथा की कुछ क्लिपिंग किसी ने काटी होगी और उस क्लिपिंग को 4-5 जगह से डिवाइड करके उसको एक बनाकर जनमानस में दिया गया है। हमने जितनी भी चीज़ें बोली हैं वो शास्त्र प्रमाणित हैं, ब्रह्म विवर्त पुराण के अंतर्गत हैं, और भी शास्त्रों में राधा रहस्य से है, गौड़िया संप्रदाय की पुस्तकों से है, कालीपीठ से निकलने वाली, और कुछ ब्रज 84 कोष में जो भूमि पर मंदिर बने हैं उनसे प्रमाणित है। परंतु किसी ने उस वीडियो को छोटा काट काट कर आड़े आड़ी टेढ़ी उसके शब्द निकाल कर उसको लोगों ने अलग अलग तरह से उसको बना लिया और जनमानस में प्रेषित कर दिया, जो लोगों के हृदय में हो सकता है ब्रजवासियों के हृदय में या कहीं किसी ना किसी रूप में किसी को उस बात से ठेस पहुंची। और हमने इस बात के लिए क्षमा भी कहा मांगा कि अगर किसी को कुछ बात का गलत लगा हो तो क्षमा करिएगा। जी तो आप ये कह रहे हैं ये इतने साल पुराना प्रसंग है और इसको किसी तरह से एडिट कर काट छांट कर इस तरह से प्रचारित कर दिया गया, और क्या वजह आपको लगती है? जैसे बीच में ये भी रहा कि ये इसमें कहीं कोई शको शुभा नहीं है कि शिव पुराण घर घर पहुंच रहा है, चर्चाएं चल रही हैं, बहुत छोटे इलाकों में मैंने देखा है कि जो आपने पूजा बताई है किस तरह से सोमवार को पूजा करनी है वो आज घरों घर अगर चर्चा का विषय है, क्या आपको लगता है ये भी एक वजह हो सकती है कि नाउ पंडित प्रदीप मिश्रा को टारगेट किया जाए? जी, ये तो है कि जनमानस में आज पूरा विश्व, भारत ही नहीं विदेश में भी भगवान शंकर की ध्वजा पताका लहराई है। जैसे जगतगुरु शंकराचार्य जी ने बहुत आनंद के साथ एक बाल्यावस्था से भगवान शिव को घर घर पहुंचाया था, वैसे ही शिव महापुराण आज घर घर तक पहुंची है। परंतु कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सनातन धर्म के जो विद्रोही होते हैं उनको ये बातें ठीक नहीं लगती, वो एक दूसरे को कानाफूसी करते हुए कुछ ना कुछ भड़काते हुए इस तरह के मुद्दे उठा लेते हैं जिससे सनातन धर्म पर लोग हंसे और उसका आक्षेप करें। जी जी, एक और बड़ी बात है, अगर आप एक क्या कहते हैं कि खम है, अगर आप एक मजबूत स्तंभ हैं, वैसे ही एक मजबूत स्तंभ प्रेमानंद जी महाराज भी हैं। कहाँ क्या गड़बड़ हो गई या कुछ ऐसा क्रिएट किया गया वो बहुत नाराज नजर आए आपसे? जी जी, परम पूज्य रस श्रोमणी है वो तो राधा के अवतार मानते हैं हम श्री प्रेमानंद जी महाराज जी को, ब्रजभूमि के रसिक संत हैं और आज तक उनकी कोई वाणी में उनने कभी क्रोध नहीं किया, कभी अपशब्द नहीं कहा। उनकी वाणी जनमानस में नवयुवक बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे सबको पसंद आती है और वो ज्ञानी उस तरह का देते, हम खुद भी उनको फॉलो करते हैं, हम खुद भी उनको श्रवण करते हैं। और समझ में नहीं आया जो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस तरह का मुद्दा बनाकर हमारे को बदनाम करना चाहते हैं, हमारी जो फॉलोइंग है उसको नष्ट करना चाहते हैं, जनमानस में जो प्रेम जमा हुआ है, विश्वास जमा हुआ है उसको नष्ट करना चाहते हैं। तो कई लोग ऐसे हैं, तो उन्होंने महाराज जी के पास में जाकर उस वीडियो को दिखाया होगा जो काट छांट वाली है। मैंने तो हमने अपनी व्यासपीठ से पूज्य गुरुदेव को प्रणाम किया है, नमन किया है कि गुरु जी मुझे बुलाते, मैं पूरे उनके चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए जाता और सब चीज मेरे पास में, जो चीज में मैंने बोला है, जो चीज मेरे पास में है वह मैं उनको वहां जाकर दिखाता। पर हो सकता है किसी कारणवश उन्होंने वीडियो किसी ने किस तरह से दिखाया, उनके पास में बैठने वाले ने उनको किस तरह से बताया, किस तरह से कुछ गलत विचार कह दिए। जब एक मंथरा
राजरानी केकई जो भगवान राम को इतना प्रेम करती थी उनको भड़का देती है और राम जी को 14 वर्ष के लिए वन भेज देती है, तो हो सकता है जिन्होंने उनको वीडियो दिखाई वो गलत तरह से दिखाई, गलत विचार उनके सामने रखा, इसलिए पूज्य गुरुदेव के मुख से शब्द निकला। बाकी के उनसे मेरा कोई विवाद नहीं और उनका भी मेरे ऊपर आशीर्वाद बना रहे, मेरे को उनके चरणों का दास हूँ, उनके चरणों को प्रणाम करूँ। जी, आप उनके चरणों को प्रणाम भी कर रहे हैं। ये तय है कि कहीं ना कहीं कोई इस तरह से कुछ क्रिएट किया गया है जो शायद उन्हें इतना नाराज कर गया है। मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि राधा रानी को लेकर एक बात है, शादी से जुड़ा जो प्रसंग है, एक उनके जन्म से जुड़ा प्रसंग है, तो एक्चुअली ये है क्या, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, रावल गाँव में मेरी राधा रानी का जन्म हुआ, उनका प्रागट्य हुआ, बरसाने में जाकर निवास किया, बरसाने की पवित्र भूमि, वैसे तो ब्रज की पवित्र भूमि पर एक एक कण में 84 कोष में राधा जी सर्वस्व विराजमान हैं। भगवान स्वयं राधा रानी को ब्रज छोड़कर जब भगवान गए द्वारका के लिए, तो राधा रानी को पूरा ब्रज देकर गए हैं कि राधा तुमको जो भजेगा कृष्ण उसके पीछे चले। तो मेरी राधा रानी तो पूरे ब्रज में निवास करती हैं, कहीं ऐसा नहीं कि बरसाने में राधा रानी नहीं है, या रावल गांव में राधा रानी नहीं है, या वृंदावन में राधा रानी नहीं है, या मथुरा में राधा रानी नहीं, प्रत्येक स्थान पर, ब्रज के स्टेशन पर, मथुरा के रेलवे स्टेशन पर जब आप रेल से उतरते हैं, चरण रज आपको जब लगती है तो राधा राधा अपने आप आपके मुख से निकलता है, राधा सर्वस्व विराजमान है। किसी के कहने से कि राधा जी यहाँ नहीं है या राधा जी वहाँ नहीं है, ये गलत प्रसंग है, ये लोगों ने केवल एक मुद्दा बना रखा है किसी ना किसी तरह से उसको बदनाम करने के लिए। बाकी का विवाह का जो प्रसंग है वे ब्रह्म विवर्त पुराण के अंतर्गत 174 नंबर पेज में गीता प्रेस गोरख की जो पुस्तक है उसके अंदर इसका वर्णन आता है कि भगवान स्वयं भगवान कृष्ण की साक्षी और आनंद के साथ में वृषभानु जी राधा जी का विवाह अरण्य घोष के साथ में पक्का करते हैं। जब अरण्य घोष के साथ पक्का करते हैं तो राधा जी अपनी छाया वहां छोड़ती हैं और राधा जी की छाया के साथ में उनका विवाह होता है। अब प्रसंग ये आता है कि रावण हरण किसको कर लेकर गया, अगर किसी से पूछा जाए तो वो कहेंगे सीता जी का। हनुमान जी किसका पता करने गए, सीता जी का। विवाह किसके लिए हो रहा है, सीता जी के लिए। हालांकि राम जी ने सीता जी को तो अग्नि के पास दे दिया था, उनकी छाया थी, पर तुलसीदास जी ने कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि छाया सीता का हरण हुआ या छाया सीता का पता करने के लिए हनुमान जी गए, सीता जी का पता करने के लिए गए, सीता जी लंका में गई। उसी तरह विवाह प्रसंग में राधा जी का नाम बार बार आया गया है, तो इसलिए राधा जी के लिए वर्णन किया गया। कोई भी चीज, कोई भी व्यासपीठ से एक भी शब्द अगर बोले गए हैं तो हमारे प्रमाणों से, हमारे शास्त्रों से बोले गए, मतलब हर चीजें वही है जो स्पष्टीकरण है या चीजों की जो गलत व्याख्या है, और गलत व्याख्या से ज्यादा गलत फहमी मेरा ख्याल है कि प्रेमानंद जी महाराज तक पहुंची है, ऐसा आपका कहना है, एक बात। दूसरी बात कि महाराज जी इसका एक कानूनी पहलू भी है, केस करवाया गया है, FIR वगैरह करवाई गई है, क्या इसको लेकर आप कुछ कहेंगे, या आपको कोई नोटिस जारी किया गया है, आपसे कोई या किसी ने फोन पर या कॉल पर बात की है? जी प्लीज। मैं अभी ऐसा कोई क्रम नहीं आया, और मूलतः गलत बोले नहीं है तो कोई चीज गलत है नहीं, कानून भी तो देखेगा कि सत्य क्या है। अगर कानून हमारी पुस्तकों देखेगा तो एक बार ब्रजभूमि में जाकर जावट गांव भी देखेगा, अगर कानून कुछ चीज देखेगा तो वो चीज भी देखेगा कि जावट में अरण्य घोष का मंदिर बना हुआ है ब्रज 84 कोष के अंतर्गत। अगर कानून देखेगा तो वेद और पुराण भी खोलेगा, शास्त्र भी खोलेगा, उसका भी तो अध्ययन करेगा कानून। ऐसे थोड़ी ना हो जाता है कि कानून को कुछ भी बोल दोगे और कानून मान लेगा, कानून भी तो कोई चीज है, संविधान भी तो कोई चीज है, वो भी तो सामने आएगा, सामने प्रकट करेगा। जी जी पंडित जी, एक और बात है, एक लंबा संघर्ष आपका रहा, लंबे संघर्ष के बाद आज मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में आप सुने जाते हैं अलग अलग माध्यमों से, एक तो खुद जब आप पीठ पर बैठकर कथा करते हैं और एक आप सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में आप सुने जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी को लग रहा हो कि इतना अच्छा, इतना सफर, इतनी ऊंचाई, इतनी बुलंदी, ये भी तो हो सकता है? बिल्कुल सत्य है। देखिए, नामदेव, तुकाराम, मीराबाई, कर्माबाई, कबीरदास, रविदास जी, महाराज जी, ऐसे कई राष्ट्र के संत हुए जिनके पीछे लोग पड़े और उनको बदनाम करने का प्रयास किया गया। ये कुल टोटल मेरी राधा रानी के पर्दे की आड़ में
कुछ लोग ऐसे हैं जो भड़काने का कार्य कर रहे हैं, जो भोले भाले ब्रजवासियों को भड़का रहे हैं। ब्रजवासी इतना भोला होता है, हमने अपनी व्यासपीठ से भी वर्णन किया कि जब हम बाल्यावस्था से ब्रज की भूमि पर रमण कर रहे हैं, राधा रानी की हमने भी 51 परिक्रमा करी, ब्रज गोवर्धन नाथ जी की कई परिक्रमा करी, तो हम जब ब्रजवासियों से केवल अन्न मांगते थे, रोटी मांगते थे परिक्रमा के समय पर भूख के लिए कि भोजन कर लेंगे, उस समय पर वो हमें बिठाकर छाछ पिलाते थे। ऐसे ब्रजवासी जो हमारे साथ साथ चलकर पूरी राधा रानी का वृत्तांत कहते थे, भगवान का चरित्र कहते थे, आज उन ब्रजवासियों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से मिसगाइड किया जा रहा है, उनको भड़काया जा रहा है और उनके बीच में बैठकर कहीं ना कहीं उनको भड़काने का कार्य किया जा रहा है, जिससे ये बात का मुद्दा उठे। बात का कोई मुद्दा नहीं है। हमने कभी भी किसी देवता को अपशब्द नहीं कहा, हमने किसी देवी देवता को कभी गाली नहीं दी। आप पूरी वीडियो सुनिए, उस वीडियो में कभी किसी देवी को किसी देवता को अपशब्द कहा हुआ बताएं तो ये प्रदीप मिश्रा आपके चरणों में पड़ा हुआ है। मूलतः राधा रानी के चरणों में तो मेरी पूरी जिंदगी है। मेरी माँ राधा रानी जिस दिन इशारा कर देगी उस दिन मैं बरसाने पहुंचकर वहां की झाड़ू लगा दूंगा, वहां दंडवत कर दूंगा, पूरी जिंदगी वहीं निकाल दूंगा, और मेरी माँ के चरणों में तो मेरा पूरा जीवन है। पर मूलतः जो गलत फहमियां लोगों को दी जा रही है वो जान कर दी जा रही है, गलत बातें लोगों तक पहुंचाई जा रही है वो गलत तरह से दी जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं प्रदीप मिश्रा को नीचा दिखाया जाए या शिव पुराण को नीचा दिखाया जाए। जी, ये एक बात मैं सीधे सवाल को पूछता हूं, बिल्कुल आम एक आम दर्शक का ये सवाल आप समझ लीजिए कि शिव पुराण का जिक्र आपने अभी किया, इससे पहले जो आपके कथा करने से पहले या घर घर उसे पहुंचाने से पहले, असल हकीकत यह है कि शिवपुराण को लेकर या तो गलत जानकारियां थी या जानकारी ही नहीं थी। क्या यह भी हो सकता है कि शिव महापुराण पर आपका जो कंट्रोल है, जो ज्ञान है, जो अथाह आपका नॉलेज है और उसे जो आप घर घर पहुंचा रहे, क्या वो भी किसी को डिस्टर्ब कर सकता है? ये बात सही है कि धर्म के नाम पर बहुत सारी तमाम, हम कई जगह तो ये कह दिया जाता है कि धर्म के नाम पर यहां दुकानें खुली हुई हैं, तो क्या किसी की नाराजगी भी हो सकती है जो कैसे पंडित प्रदीप मिश्रा को घेर लेना है? जैसे रुद्राक्ष महोत्सव की बात आती है, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा निकालकर वो पब्लिक में आने लगता है अचानक से, ये भी तो एक एंगल है पंडित जी। जी सही बात कह रहे हैं आप। देखिए शिव महापुराण की जो व्याख्या है, शिव महापुराण भगवान शंकर जनमानस में जो पहुंचाए हैं, तो ये तो भगवान शिव की कथा जब जनमानस तक पहुंची है, पहले भगवान शंकर के मंदिर आपने भी देखे होंगे और जितने श्रोता भाई बहन मुझे सुन रहे हैं या दर्शन कर रहे हैं उनने भी देखे होंगे कि भगवान शंकर के मंदिर बंद रहते थे, जाले लगे रहते थे, सफाई नहीं होती थी, कोई जाता था तो सावन और शिवरात्रि पर जाता था। पर आज की स्थिति में भगवान शंकर के मंदिर में छोटे छोटे बच्चे लोटा लेकर जा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, लेडीज बुजुर्ग माताएं जा रही हैं, पुरुष जा रहे हैं। स्थान आज के समय में 12 ज्योतिर्लिंग में सारे ज्योतिर्लिंगों पर आपको भीड़ मिलेगी, चाहे आप केदारनाथ जी देख लीजिए, लाइन लगी पड़ी हुई है, नंबर नहीं मिल रहे हैं। आप महाकाल बाबा के दर्शन कर लीजिए, आप ओमकारेश्वर बाबा का दर्शन कर लीजिए, काशी चले जाइए, एक एक ज्योतिर्लिंग में इतना भीड़ है, भक्तों का इतना सैलाब है, ये कई लोगों से सहन नहीं हो रहा। कई लोगों को लगता है कि शंकर जी के मंदिर तक पहुंचा दिया, अब हमारे दुकान धंधे पानी बंद हो गए, अब हम क्या करेंगे, तो लोगों को लगता तो है, क्योंकि शिव से लोगों को जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी जोड़ा था और ये शिव महापुराण ने भी सबको भगवान शंकर से जोड़ दिया। छोटी छोटी बातें जितनी चीजें हैं, चाहे बेलपत्री से जुड़ी हो, काली मिर्ची से जुड़ी हो, काले तिल से जुड़ी हो, शहद से जुड़ी हो, एक एक चीज हमारी शिव पुराण में वर्णन आता है, उसको अगर ध्यान से पढ़ोगे, एक एक चीज का अध्ययन करोगे तो सब कुछ मिल सकता है उसमें। ऐसा क्या है, शिव महापुराण में त्र्यंबक मंत्र है, जिस मंत्र के कारण स्वयं मार्कंडेय जी को भी अमर तत्व की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा शिव महापुराण में एक एक रोग के निवारण के लिए सब कुछ समाया हुआ है, उसको अगर व्यक्ति पढ़े दिल से। बस ये है कि दुनिया के लोगों को तो विरोध करना है, और विरोध किसी दूसरे का नहीं, जो दुनिया में ऊपर बढ़ता है उसी का पांव खींचा जाता है। विरोध केवल इतना है कि प्रदीप मिश्रा जी की लोग सुनते क्यों, घर घर में मेरी माताएं, मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरे बच्चे घर घर के अंदर आखिर शंकर की कथा क्यों सुनते हैं, लाखों लोग उनके क्यों हुए जा रहे हैं, आज लोगों को सबसे बड़ा उस चीज का भ्रम पड़ा हुआ। जी जी जी, एक और बात है, एक शब्द तो ये है कि पंडित प्रदीप मिश्रा, वाक्य है कि पंडित प्रदीप मिश्रा हमेशा विवादों में रहते हैं, मसलन ड्रेस कोड की बात आ गई, या एक और प्रसंग वायरल कर दिया गया था कि बेलपत्र में शहर लगाकर वाला एक प्रसंग था। इसे मैं दूसरे तरह से पूछना चाहता हूं, आखिर पंडित प्रदीप मिश्रा पे इतना टारगेट क्यों?
देखिए जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाएगा, सनातन धर्म की ध्वजा लेकर आगे बढ़ेगा, और जो सबको जोड़ेगा, घर में परिवार में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सबको जोड़कर चलता है, वही बूढ़ा होता है। जो सबको जोड़ ले, आज की स्थिति में आप ओंकारेश्वर की पवित्र भूमि पर आकर देखिए कि रोडों पर बैठकर लोग कथा सुन रहे हैं, जिनके ऊपर टेंट नहीं लगा, जिनके ऊपर छांव नहीं है, जिनके पास में बैठने का स्थान नहीं है, तो रोड पर लोग बैठकर कथा सुन रहे हैं, पेड़ों के नीचे बैठे हुए हैं। कारण क्या है? इनको किसी ने गाड़ी भेजी, बस भेजी, या टिकट दिया, या पैसा दिया? ये उनके अंदर का शंकर जी के प्रति विश्वास, भरोसा जागृत हुआ है, और वो भरोसा आज दिखता है, और वही लोगों को खल रहा है कि इतना भरोसा प्रदीप मिश्रा की वाणी पर क्यों कर रहे हैं, शिव महापुराण पर क्यों कर रहे हैं।